पर बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का एएमवी नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। बता दें चले कि मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में अक्षत कलश यात्रा पर पथराव हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां आपको बता दें चले कि शाहजहांपुर में अक्षत कलश यात्रा पर पथराव कर दिया गया है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मस्जिद के पास उपद्रवियों ने यात्रा पर पत्थर फेंक दिए हैं। मस्जिद के पास जैसे ही अक्षत कलश यात्रा पहुंची तो पथराव कर दिया गया है। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तनाव वाले इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। हिंदू संगठनों के आक्रोश के बाद उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से पथराव हुआ है तमाम सनातनियों पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां आपको बता दें चले कि शाहजहांपुर में अक्षत कलश यात्रा पर पथराव हुआ है। मस्जिद के पास जैसे ही यात्रा पहुंची तो उपद्रवियों ने पथराव कर दिया है, पत्थर फेंके हैं तमाम सनातनियों पर, जिसके बाद कई सनातनी घायल भी हुए हैं। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स इलाके में तैनात कर दी गई है। इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। हिंदू संगठनों के आक्रोश के बाद उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताते चले कि पूरे देश भर में कलश यात्रा निकाली जा रही है, और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी कलश यात्रा निकाली जा रही थी। अक्षत कलश यात्रा के दौरान पथराव कर दिया गया है।